हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एजी इन्वेस्टमेंट में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक। फ्रेंड्स, आपके कुछ क्यूरी आ रहे थे ये हमारे ETF ट्रेडिंग के उसके। ETF ट्रेडिंग जो मैंने आपको वीडियो दिया था कि ETF ट्रेडिंग हम कैसे करें जो एक सेफ ट्रेडिंग और हमेशा एक रिटर्न्स मिले, तो उसके बारे में आपके जो कंसर्न्स आ रहे थे, क्यूरी आए थे, उसको मैं आज सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि लोकेश भाई ने यहाँ पर बोला है कि मुझे ये जो GTT है, GTT में कितने क्वांटिटी डालनी होगी और फुल क्वांटिटी के साथ एग्जिट होना है या फिर जितनी क्वांटिटी में 6% आ जाए उसको एग्जिट होना है। तो ये मैंने आपको क्लियर बोला था कि मुझे आप लोगों को ऐसा नहीं करना कि जितनी क्वांटिटी में आ जाए उसको करना है। फिर से एक बार आपको इसको समझा देता हूँ, ध्यान से समझिएगा। ऐसे पुराना वाला वीडियो अगर आप ध्यान से देखें तो समझ में आ जाएगा। जैसे कि हमने क्या किया है कि यहाँ पर एक डेट रखा है 5 तारीख, अगर आप देखेंगे एक्सिस निफ्टी 5 तारीख, ये आपका निफ्टी बीज 10 तारीख, SBI का निफ्टी 15 तारीख और ICICI 20 तारीख, कोटक 25 तारीख और HDFC 30 तारीख। ये हमने डेट रखा है कि 5, 10, 15, 20, 25, 30, एक हमने पूरे मंथ को कवर किया कि पूरे मंथ में हमें ये ट्रेडिंग करना है। अब क्या है, क्योंकि ये प्रोसेस आपको करने में आज से आप स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास इसमें क्या है, हमें 1 लाख रुपए का अगर ट्रेडिंग करना है तो हमें पूरे ये 1 लाख रुपए हमारा अभी नहीं लगाना, ये धीरे धीरे करके 12 महीने में लग जाएंगे, ठीक है ना। और उसी के साथ आपका रिटर्न्स भी आते रहेगा बीच बीच में, जैसे मार्केट में आपको आगे बढ़ेगा रिटर्न्स आएगा, ठीक है। तो हमें क्या है, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं, मैंने इसको स्टार्ट किया 25 तारीख को, ये अपना क्योंकि हमें पहला कितना पैसा लगाना है, 6,000 रुपये फर्स्ट इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। तो 6,000 इन्वेस्ट करना है, तो अगर आपका ये यूनिट रेट 200 रुपये चल रहा है, ठीक है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट का टाइमिंग क्या है, 3 बजे से 3:30 के बीच में, सुबह और ये सब चीज़ें नहीं करना, लास्ट में जब पूरा मार्केट सेटल हो जाए तब ये हमें करना है, 3 से 3:30 के बीच में, क्योंकि 3:30 मार्केट क्लोज जाता है, तो उस समय जो भी यूनिट का प्राइस चल रहा है उससे आप डिवाइड कर देंगे अपना 6,000 को। मान लीजिए कि 200 चल रहा है तो इसको डिवाइड कर देंगे 200 से, तो जितना यूनिट आता है उतना आपने यहां पर खरीद लेना है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि हमें पहला इन्वेस्टमेंट 6,000 से करना है, ठीक है। तो अब है, जैसे कि हमने ये नवंबर का इन्वेस्टमेंट, यहां पर आप देखेंगे नवंबर मंथ है, तो नवंबर का हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब इस महीने में आपको कुछ नहीं करना है, अगले महीने में, ठीक है। अब फिर अगले महीने में क्या होगा कि आपका ये, अब दिसंबर, इसके बाद हमारा नवंबर के बाद अगला महीना दिसंबर आता है, तो दिसंबर में हमें यहां पर फिर से 6,000 रुपये का इन्वेस्ट करना है, ठीक है। अगर 1 लाख अमाउंट से आपको काम करना है तो ऐसे करना है, अगर आपको 2 लाख से काम करना है तो आप एक ही महीने में 2 में ट्रेड करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। हालांकि 2 लाख एक ही बार नहीं लग रहा है, लेकिन आप समझने के लिए कि अगर आपको 2 लाख रुपए से आपको ये काम करना है तो 2 फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। अगर 1 लाख से करना है तो एक महीने में केवल 1 फंड में इन्वेस्ट करना है, और जैसा कि हमने यहां पर एक महीने के लिए पहला इन्वेस्टमेंट यहां पर कर दिया और उसमें हमारा 30 यूनिट मिला। अब हमें क्या करना है, अगले महीने यानी दिसंबर में हमें, अब 25 तारीख कंप्लीट हो गया, अब 30 तारीख को हमें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। तो 30 तारीख में फिर से हम यहाँ पर 6,000 रुपये ऐड करेंगे, ठीक है, 6,000 ऐड करेंगे और जो भी यूनिट आएगा यहाँ पर यूनिट लिख देंगे, ठीक है। ये तो हो गया आपका अगले महीने की फर्स्ट किस्त के लिए, लेकिन क्योंकि यहाँ पर हमने जो 6,000 इन्वेस्ट किया है इसको ट्रैक करना है कि हमारा ये जो अमाउंट है ये 6% हुआ क्या, ठीक है। ये जो अमाउंट आपका परसेंटेज है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है टोटल इन्वेस्टमेंट, जैसे जैसे आप इसमें इन्वेस्ट करते जाएंगे ये सब यहाँ पर टोटल होते चला जाएगा। जैसे कि आपने यहाँ पर 5,900 इन्वेस्ट किया तो यहाँ पर 5,900 आ गया है, ठीक है। अमाउंट AOD एज ऑन डेट, मतलब आज तक आपका कितना अमाउंट ये हो गया है, तो आपका 6,000 अमाउंट हो गया है। ये बेस कैसे कैलकुलेशन किया हुआ है, ये अमाउंट और इसको ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अमाउंट आ जाएगा, तो ये 6,000 आज ये वैल्यू हो गया है। तो ये 5,917 जो आपने इन्वेस्ट किया
6000 हो गया है, इसमें लिखा हुआ प्रॉफिट एज ऑन डेट, आज आज तक कितना प्रॉफिट हो गया, तो इसमें 82 रुपीज का प्रॉफिट हो चुका है। ठीक है, अब अगर देखें तो प्रॉफिट कितना परसेंट, ये 5917 से 6000 रुपए हुआ कितना परसेंट हुआ, यहां पर देखेंगे 1.38% का प्रॉफिट हो गया है। ठीक है, लेकिन हमें 1.38% को नहीं लेना है, हमें कितना लेना है, हमें 6% जब आए तब लेना है, तो ये अभी हम इंतजार करेंगे। अब इसमें अब यहां तो कंप्लीट हो गया, अब दूसरा क्या है कि अब हमारा दिसंबर आ गया, दिसंबर में हमारे 30 तारीख को 6000 रुपए डालने हैं, लेकिन उससे पहले 25 तारीख आ रहा है, क्योंकि 25 तारीख को हमारा ये अभी 6% नहीं हुआ है, तो यहां पर मुझे एक पैसा डालना है जिसका अमाउंट है 1600 रुपए। ठीक है, अब ये 1600 रुपए का क्या करना है, उस समय जितना भी आपको एनएवी 25 तारीख को है उसको 1600 से मल्टीप्लाई कर देंगे और उतना यूनिट यहां पर आप खरीद लेंगे। ठीक है, 1600 डिवाइड बाय अगर 200 रुपए की एनएवी चल रही है तो 200 का यहां पर खरीद के आपको यहां पर उतना यूनिट यहां पर ऐड कर देना है। क्लियर हो गया, अब मैं आपको एक बार समझाता हूं। मान लीजिए कि अगर हमारा यहां पर ऐड करते हैं 200 का यूनिट चल रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, 1600 डिवाइड बाय 200, ठीक है, तो कितना हुआ, 8 यूनिट हुआ, तो यहां पर 8 यूनिट लिख देंगे। ठीक है, और यहां पर आपको क्या लिखना है, जितना भी आपका अमाउंट हुआ तो 200 इंटू 8 ये हो गया, तो यहां पर आ गया 1600। ठीक, अब ये 1600 हो गया, तो अब क्या होगा, आप ऑटोमेटिक आप देखेंगे कि यहां पर कैलकुलेशन यहां पर ऑलरेडी आ गया कि आपका पूरा पैसा कितना लग गया है, 7512 रुपए। ठीक है, अब आपको पूरा जोड़ के दिखाना शुरू कर दिया, आपको यहां पर कुछ नहीं करना है, इस फाइल को आप अपने पास सेव कर लीजिए, ये दोनों को जोड़ दिया उसने, 7512 रुपए हो गया टोटल आपका, ये देखेंगे क्वांटिटी तो टोटल क्वांटिटी भी यहां पर आ गया कितना क्वांटिटी है, और 7512 कितना हो गया, 7600 रुपए हो गया है। ठीक है, इसकी कितना आपको ग्रोथ मिल रहा है, इतना मिल रहा है, और परसेंटेज रिटर्न कितना मिल रहा है, 1%। तो ये जितना आप ऐड करते जाएंगे, जब ये पूरे ऐड करके जब यहां पर दिखना शुरू हो जाए, जब इस लाइन पे आपको दिखना शुरू हो जाए कि 6% हो गया, तो आपको इस पूरे से एग्जिट कर जाना है, मतलब अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, मैं जो आपको ट्रेड करता हूं वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, उसमें आप देखेंगे कि आपको ये पता चल जाएगा कि कैसे कैसे क्या है। तो एक मिनट होल्ड कीजिए, यहां पर आप देख रहे होंगे, जैसे कि अगर आप इसको देखेंगे जो, क्योंकि मैं कई सारे उससे ट्रेड करता हूं, जैसे यहां पर अगस्त में, तो अगस्त वाले प्रॉफिट ऑलरेडी बुक हो चुकी है, ये आपका ये भी 25 का भी बुक हो चुका है, ये भी बुक हो चुका है, ये भी बुक हो चुका है, ये भी बुक, लेकिन अब यहां पर क्योंकि इसमें अमाउंट नहीं आया, अब ये बुक हो गया लेकिन महीना आ गया, तो हमने यहां पर नेक्स्ट मंथ में ऐड कर दिया है। ठीक है, उसी तरह से नेक्स्ट मंथ में यहां पर ऐड कर देंगे, तो इस टाइप से ये ऐड होता रहेगा, और जैसे ही अब जैसे यहां पर 5.34% आया हुआ है, ठीक है ना, अब इसको तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 5.34 आया, लेकिन 6% जैसे आएगा ये भी बुक हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो केवल इसका 1.38 आ रहा है, तो हमें अभी कुछ नहीं करना, ये इसमें SIP चलते रहेगा और ये अपना एज इट इज, जैसे 6% आएगा हम उसको बुक करेंगे। तो इस टाइप से आपको करना क्या है कि हर महीने 1600 रुपए आपको ऐड करना है, पहला जैसे ये हमने यहां पर परचेज कर लिया, नेक्स्ट मंथ में फिर हम जो अगला डेट आएगा उसमें 6000 रुपए डालेंगे और पहले वाले में 1600 रुपए की SIP करेंगे। उसी तरह से जनवरी में फिर हम यहां पर 6000 रुपए डालेंगे और इसमें 1600 रुपए की SIP करेंगे, इसमें 1600 रुपए की SIP करेंगे। ठीक है, जिसमें भी अगर 6% यहां पर आ जाता है उसको बुक कर लेंगे, और बुक करने के बाद फिर मान लीजिए कि ये आपको जनवरी में आ जाता है 6%, तो जनवरी में आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, तो जनवरी में आपको अब कुछ नहीं करना। ठीक है, अब फरवरी के 25 तारीख को यहां पर फिर से 6000 रुपए डालने हैं। ठीक है, और ऐसे ही ये चलता रहेगा। अब मान लीजिए कि इसका अगर आपने फरवरी में बुक कर लिया या जनवरी में बुक कर लिया, तो फिर आपको फरवरी में इसमें डालने हैं। तो इस टाइप से आपको ये कंटिन्यूअस करते रहना है, और जिस समय ये सिस्टम पर आपको दिखा दे
कि यहाँ पर ये वाला अमाउंट 6% हो गया, आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। बस सिंपल है और आपको ये प्रोसेस मैनेज करना है। आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा कंसेप्ट दोबारा समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेरी रखता है तो पहले वाला वीडियो देखिए और उसके बाद इसको प्रोसेस कीजिए। मेरे जो टेलीग्राम है उस पर भी मैं अपडेट करते रहता हूँ, वहाँ पर भी जाके आप देख सकते हैं। थैंक यू, कीप वॉचिंग।